हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास टेंथ साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दृष्टि दोष क्या है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर में हमेशा हर साल पूछा जाता है। आपके एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आता है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण तथा निवारण लिखिए, या फिर क्वेश्चन आता है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण तथा निवारण लिखिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है, तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दृष्टि दोष क्या है, यानी कि डिफेक्ट ऑन विजन। ठीक है, तो नेत्रों की सहायता से हम अपने आसपास के सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जब नेत्र में दृष्टि संबंधी दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि जब हम अपने आँखों से जब देखते हैं तो देखने में जब प्रॉब्लम होती है, चाहे वो दूर का हो या नज़दीक का हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं या फिर दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोष है जो दृष्टि दोष है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दो तरीके हैं, एक है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इन दोषों का निवारण चश्मा के द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है आंखों में, या फिर दूर दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसका निवारण क्या है, उसको चश्मा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी उसको सही से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण तथा निवारण लिखिए। ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, दूर दृष्टि दोष यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, इस दोष के व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, और इसका कारण यह है कि समीप की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। समझ में आया, यानी कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेंगी। कैसे याद रखोगे, अगर लिखा है दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की दिखाई पड़ेंगी, निकट की दिखाई नहीं पड़ेंगी। अगर लिखा है निकट दृष्टि दोष, तो निकट की दिखाई पड़ेंगी, दूर की नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और जैसे कि इसका कारण क्या है, जब प्रतिबिंब यानी कि इमेज रेटिना के पीछे बनेगा तब ये दोष आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये एक डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो ओ है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, दूर दृष्टि दोष में दूर की तो दिखाई पड़ेंगी, निकट के देखने में दिक्कत होगी, तो यहाँ पर हमने निकट की वस्तु रखी है। ठीक है, ओ ये देखो ना, जो कि 25 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से जैसे यहाँ से एक रे आई, ये नेत्र लेंस है। ठीक है, ये एल वाला। ठीक है, ये जो है ये आपका नेत्र लेंस है। ठीक है, और यहां से ये आपका जो है ये रेटिना है। ये क्या है आपका रेटिना, ये जो है, ठीक है, ये हमारी रेटिना होती है। ये क्या होती है, रेटिना। ये जो लाइन दिख रही है ये रेटिना है। ठीक है, तो रेटिना यहां पर है, लेकिन देखो यहां पर ध्यान से प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। देखो प्रतिबिंब पी, पी मतलब प्रतिबिंब। ठीक है, यहां पर देखो यहां पर बन रहा है, यानी कि रेटिना तो यहां पर है, ये वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है यही आपकी रेटिना है, लेकिन प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, यानी बनना चाहिए यहां पर। ठीक है, यहां पर बनना चाहिए, लेकिन कहां बन रहा है, यहां पर। ठीक है, जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, यानी कि देखो कितनी दूर बन रहा है ना, कितनी दूर बन रहा है, जब रेटिना के पीछे बनेगा तब आपको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं रेटिना पर नहीं बन रही है, रेटिना के पीछे बन रहे हैं, इसलिए वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेंगे, धुंधली दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष के कारण क्या चीज, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहला कारण क्या है। इस दोष के कारण हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, कौन कौन से। सबसे पहला कारण हो सकता है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए,
जिससे फोकस दूरी बढ़ जाए। यहाँ पर क्या चीज़ है, बढ़ जाए, यानी कि फोकस दूरी का बढ़ जाना। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा जाके, ठीक है, रेटिना के पीछे बनेगा, समझ में आया, रेटिना के क्या बनेगा, पीछे बनेगा, समझ में आया। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। यहां पर देखिए ये क्या है, ये आपका देखिए डायग्राम में, ये देखिए ये नेत्र लेंस है ये वाला, ठीक है, और ये आपका क्या है, रेटिना, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाए, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। अगर ये दूरी कम हो जाएगी यहां से यहां तक ना, नेत्र लेंस और रेटिना, ये लाइन रेटिना है, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये रेटिना है, ठीक है, ये आपकी रेटिना है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए या फिर फोकस दूरी बढ़ जाए, दो अगर कोई भी दो कंडीशन हो जाएंगी तो आपको ये दोष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको दूर कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपको उत्तल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा, तो अब आपको ये दोष दूर हो जाएगा, ठीक है, तो आपको सही से दिखाई पड़ेगा। देखिए ये डायग्राम भी आप बना लीजिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में तभी आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा, जैसे कि ये डायग्राम दिखा है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष का, यहां पर देखो निकट की वस्तु है, ठीक है, यहां पर कोई निकट की वस्तु है और यहां से देखिए किरणें चल रही हैं और बीच में हमने क्या लगा दिया है, उत्तल लेंस, ये देखिए ये उत्तल लेंस लगा दिया है, उत्तल लेंस लगा दिया है तो क्या होगा, ये देखिए यहां से किरणें उत्तल लेंस में जाएंगी, फिर उसके बाद रेटिना पर आएंगे, देखिए ये देखिए रेटिना पर आए, यहां पर बिल्कुल रेटिना पर बन रही है, उत्तल लेंस लगाने पर जो आपका प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर प्रतिबिंब, देखिए लिखा क्या लिखा है, रेटिना पर प्रतिबिंब। अगर उत्तल लेंस नहीं लगा होता तो आप यहां पर देखिए, देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर कोई लेंस नहीं यूज किया है, यहां पर देखिए कोई लेंस नहीं यूज किया है, डायरेक्ट किरणें नेत्र लेंस पर आ रहे हैं, उसके बाद यहां पर रेटिना के पीछे यहां पर बन रही है ना, यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए ये दोष है। उसके बाद जब आप क्या करेंगे, यहां पर उत्तल लेंस यूज कर लेंगे यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो आपकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर यहां पर बनेगा, ठीक है, तो ये दोष दूर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण तथा निवारण लिखिए, ठीक है। आपके एग्जाम में या तो दूर दृष्टि दोष क्या हो आएगा या फिर आएगा निकट दृष्टि दोष, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है, चार नंबर के लिए या पांच नंबर के लिए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर की दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, ध्यान से देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, दूर की वस्तुएं क्या होंगी, सही से दिखाई नहीं पड़ेंगी, ठीक है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेंगी। अब देखिए निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, सबसे पहला कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे फोकस दूरी कम हो जाए। अगर फोकस दूरी कम हो जाएगी तो रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है, अगर फोकस दूरी कम हो जाएगी तो रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए तो भी ये इसका कारण है। निवारण कैसे करेंगे, यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या था, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का हम यूज करते थे और यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यूज करते हैं। आप कैसे याद रखोगे कि उत्तल यूज करना है या फिर अवतल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए दूर, अगर दूर दृष्टि दोष है, एक दोष हमारा है निकट, ठीक है, दो है ना, तो दूर दृष्टि दोष में ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया, दूर दृष्टि दोष तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेंगी। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। और कौन सा लेंस यूज करेंगे, यानी कि इसका निवारण कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए दूर, देखिए क्या दूर, तो क्या आया, ऊ आया, तो उत्तल लेंस, क्या चीज, उत्तल लेंस यूज करेंगे, ठीक है। क्या आया, दूर, तो ऊ आया, उत्तल लेंस।
निकट, इस वाले में देखिए निकट आया, टा में देखिए निकट आ रहा है अवतल, ठीक है अवतल लेंस। आपने एक पता कर लिया तो दूसरा तो वही होगा ना, एक पता कर लिया तो दूसरा वही होगा। दूर, जैसे दूर आया तो यहां पर देखो ऊ है, ऊ मतलब उत्तल, और दूसरा वाला क्या होगा अवतल। तो यहां पर देखिए अगर बोले दूर देश विदोष में कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो दूर ऊ आया तो उत्तल लेंस, और निकट में आएगा तो अवतल लेंस, निकट आ रहा लास्ट में ना। तो ये आप याद रखना ट्रिक, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम यहां पर एक डायग्राम देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष का, ठीक है, तब ये हमको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो क्या होगा, यहां से दूर स्थित वस्तुएं हैं, ठीक है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है तो निकट के वस्तुएं दिखाई पड़ेंगे परंतु दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेंगे। यहां पर दूर रखी वस्तुएं हैं, ये देखो नेत्र लेंस ये है ना, यहां पर पढ़ रही हैं, पढ़ने के बाद देखो यहां पर कहां पर मिल रही हैं, ये देखो ये सब यहां पर मिल रही, यहां पर मिल रही है ना, ये हमारा क्या प्रतिबिंब बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, है ना। रेटिना कहां है, रेटिना तो यहां है, ये देखो डॉट रखा है ये वाला डॉट, ठीक है, यहां पर रेटिना तो यहां है, लेकिन रेटिना से पहले ही बन रहा है, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद बन रहा था, निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बन रहा है प्रतिबिंब, तो भी तो प्रॉब्लम है। तो इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे। अवतल लेंस देखिए, ये अवतल लेंस है ये वाला, ठीक है, ये देख रहे हो ये अवतल लेंस है, ठीक है। तो यहां पर जब अवतल लेंस लगा देंगे तो यहां पर देखिए सारी किरणें कहां मिल रही है, यहां पर मिल रही है, यानी कि रेटिना पर मिल रही है, तो हमको क्या दिखेगा, सही से दिखाई पड़ेगा। अब यहां पर मैं बता देता हूं उत्तल लेंस ऐसे होता है, कैसे, उत्तल लेंस का डायग्राम ऐसे होता है, अवतल लेंस का होता है ऐसे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अब सिंपल मैं कंक्लूजन बता देता हूं, ठीक है, कंक्लूजन क्या बताता हूं, सबसे पहले क्या है हमारा, मैंने पढ़ाया दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, दूर दृष्टि दोष कैसे समझ में आएगा, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, सिंपल। यहां पर लिखा दूर दृष्टि दोष, यानी दूर के दिखाई पड़ेंगी, निकट के दिखाई नहीं पड़ेंगी। अगर आ जाए निकट दृष्टि दोष, क्या आ जाए, निकट दृष्टि दोष, तो यहां पर निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेंगी। जो लिखा है वो दिखाई पड़ेंगी, जो नहीं लिखा है वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। देखिए दूर लिखा है तो दूर के दिखाई पड़ेंगे, निकट के नहीं दिखाई पड़ेंगे। यहां पर देखो निकट लिखा है तो निकट के दिखाई पड़ेंगे, दूर के नहीं दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और ये मैंने क्या बताया था, दूर तो ऊ आ रहा है तो उत्तल लेंस यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, उत्तल लेंस, ऊ आ रहा है ना, और इसमें क्या आएगा, अवतल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज इस क्लास में हमने दृष्टि दोष को डिटेल से समझा है। ये क्वेश्चन यानी कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में हमेशा 5 नंबर का पूछा जाता है, 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है, या तो निकट दृष्टि दोष आता है या तो दूर दृष्टि दोष आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू क्लास।